हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक EVMI क्रेडिट कार्ड के बारे में। HDFC EVMI क्रेडिट कार्ड क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके बेनिफिट्स फीचर्स है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि EVMI क्रेडिट कार्ड क्या है। दोस्तों नाम में ही इसका सब कुछ छुपा है। EVMI मतलब ईजीली इसका EMI आपके हो जाता है। EVMI आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 10,000 या 10,000 के ऊपर का आप कोई भी स्पेंड करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली EMI में कन्वर्ट हो जाता है। 99 रुपीज़ EMI में कन्वर्ट करने का चार्जेस प्लस GST आपको लगता है। 1.6% हर मंथ आपका EMI का जो कुछ होता है उसके ऊपर आपको 1.6% के चार्जेस आप लोगों को लगते हैं। अगर आप स्मार्ट पे या फिर HDFC का पेजैप करके एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जाके अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करोगे तो वहाँ पे आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। हर मंथ में आपको 1% का फ्यूल सर्वाइवर चार्जेस का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि आपको 250 रुपये तक का आपका फ्यूल पे आपके सेविंग हो सकते हैं हर मंथ में। वेलकम बेनिफिट में आप लोगों को 100 यहाँ पे कैश पॉइंट मिल जाते हैं। हर एक कैश पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे 30 पर पॉइंट होता है, जो कि आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पे मिल जाते हैं। अगर आप एक साल में इस क्रेडिट कार्ड से 1,00,000 तक का स्पेंड करते हो तो आपको 1,000 रुपये का गिफ्ट कार्ड भी मिल जाता है। साथ ही अगर इस क्रेडिट कार्ड से अगर पहले 90 डे के अंदर आप अगर 20,000 रुपये का स्पेंडिंग करते हो तो यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड का आपका फर्स्ट ईयर का चार्जेस आपको देना जो पड़ता है 500 रुपये, तो वहाँ पे ये नील हो जाता है। आपको कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगता फर्स्ट ईयर में। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में, एक पूरे ईयर में अगर आप 50,000 या फिर उससे ज़्यादा का यहाँ पे स्पेंडिंग करोगे तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कोई भी एनुअल फीस देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई भी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं। इसके एनुअल फ़ी यहाँ पे पूरी तरह से नील हो जाती है अगर आप 50,000 का स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड से पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में। बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप एक सैलराइड हो, आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो आपका एज 21 से लेकर 60 साल तक होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी सैलरी मात्र 10,000 होनी चाहिए। 10,000 या फिर उससे ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आपकी देखी जाती है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी यहाँ पे क्रेडिट हो जाती है और आपका अकाउंट HDFC बैंक में है, तो इजीली क्रेडिट कार्ड आप लोगों को मिल जाता है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, यहाँ पे आपका खुद का बिजनेस है, तो वहाँ पे आपका ईयरली इनकम आपका 6,00,000 होना चाहिए और आपका ITR फाइल होना चाहिए। इस बेस पे आपको एक क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाता है। और यहाँ पे आपका एज लिमिट यहाँ पे 65 साल तक चलता है, 21 से लेके 65 साल तक आपका एज लिमिट चलता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड कंपलसरी है। पैन कार्ड के साथ साथ यहाँ पे एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ देना ज़रूरी होता है। बस यही कुछ इसका मतलब क्राइटेरिया था। ईयरली चार्जेस की बात करें, ईयरली फी की बात करें, तो 500 प्लस GST लगता है। इसके पहले भी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता दिया है, यहाँ पे अगर 50,000 प्लस का आप स्पेंड करोगे तो यहाँ पे एक फीस आप लोगों को नहीं लगते। एक कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड है। अगर आप 2,000 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन करते हो तो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो NFC की मदद से। इजीली विदाउट पिन डाले आप इजीली 2,000 रुपये के ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हो। बस यही कुछ इसके क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ क्राइटेरिया था, कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ फीचर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। मेरी दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।